दोस्तों नमस्कार लाइफ कीपर चैनल में आपका स्वागत है दर्शकों हिंदू धर्म के हर घर में पूजा का एक विशेष स्थान होता है जहां हम भगवान की मूर्तियां स्थापित करते हैं हम इन मूर्तियों को भगवान का स्वरूप मानकर सुबह शाम इनकी पूजा करते हैं जिसका हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है जिस घर में नियमानुसार पूजा पाठ होता रहता है उस घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है कई बार देखने को मिलता है कि पूजा घर में पूजा के दौरान जल्दबाजी करने या किसी अन्य कारणों से भगवान की मूर्तियां टूट जाती हैं। कभी अपनी ही गलती से तो कभी अचानक अपने आप भगवान की मूर्ति खंडित होकर गिर जाती है आखिर क्या संकेत हो सकते हैं मूर्ति के टूटने के इस तरह से मूर्तियों का खंडित होना किस तरफ इशारा करता है और इसके हमें क्या नुकसान हो सकते हैं क्या करें और क्या ना करें अगर हमारे हाथों से कोई मूर्तियां खंडित हो जाती है दर्शकों जब घर में रखी भगवान की मूर्तियां आपके बिना छुए ही या किसी कारण के चलते धक्का लगने के बाद गिरकर टूट जाती है तो यह आपके लिए शुभ समाचार जैसा है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि घर में जब कोई अनिष्ट आने वाला होता है तो आपकी पूजा के चलते भगवान उस अनिष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे वह मूर्ति खंडित हो जाती है जब मूर्ति इस तरह से खंडित हो जाए तो वास्तु शास्त्र के अनुसार उनको घर से बाहर कर देना चाहिए और किसी नदी के जल में प्रवाहित कर देना चाहिए टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मकता लाती है यदि घर में टूटी हुई मूर्तियां रखी हो तो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है जिससे घर में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, जिनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक घर में रखी भगवान की मूर्ति अगर अचानक टूट जाती है तो व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है और यदि आपके साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने इष्ट देव ऐसी जाने अनजाने में कोई भूल के लिए क्षमा याचना करें और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें मित्रों हम में से बहुत लोग भगवान के ऊपर हमारी श्रद्धा होने के कारण खंडित मूर्तियों को पूजा घर से बाहर निकालने के लिए डरते हैं लेकिन हमें यह भूल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि खंडित हुई मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है जिससे धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगता है भगवान की खंडित हुई मूर्तियों को जितना जल्दी हो सके घर से हटा देना चाहिए लेकिन अगर भगवान की किसी फोटो का शीशा टूटा है तो इसे खंडित नहीं माना जाता है आपको इसका कांच दोबारा लगवाकर इसे वापस से उसी स्थान पर स्थापित कर देना चाहिए दोस्तों आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि लोग टूटी हुई मूर्तियों को किसी चौराहे पर या फिर पेड़ के नीचे ले जाकर गंदी जगह ही रख देते हैं शास्त्रों में ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है खंडित हुई मूर्ति को ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए जहाँ पर साफ जगह हो और उन पर किसी का पैर न लगे हो सके तो टूटी हुई मूर्ति को कहीं पर छोड़ने की बजाय किसी नदी में विसर्जित कर देना चाहिए लेकिन कहीं भी गंदी जगह पर टूटी हुई मूर्तियों को बिल्कुल भी नहीं रखें। अगर कोई ऐसी जगह पर किसी को कुछ मूर्ति दिखती है तो उसे किसी अच्छे स्थान पर रखें या फिर किसी नदी में प्रवाहित कर दें। प्रिय दर्शकों कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा कृपया अपना कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी चैनल पर नया वीडियो आए तो सर्वप्रथम आपको मिले धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुभ हो